2019 में होने वाले चुनावों में लगता है कि जेएमएम पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि सरकार नगर परिषद के विस्तारीकरण में लगी हुई है, जिसके लिए इससे प्रभावित होने वाले 42 गांव के लोग पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं, जिसको लेकर नेता विपक्ष ने भरोसा दिया है कि वो इस मामले को सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे, जिससे सरकार पीछे हटने को मजबूर हो जाएगी। नगर पालिका क्षेत्र को, उसका क्षेत्र को दायरा बढ़ाने को लेकर लगभग 42 गांव को शहरीकरण के नाम पर नगर इकाई में जोड़ने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसे हम कतई नहीं होने देंगे, इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे। बहरहाल ये तो साफ है कि इस पूरे मामले में जेएमएम का विरोध करते हुए बीजेपी की पोल खोलकर आगामी चुनावों के लिए अपना पोल मजबूत करना चाहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।